नमः शिवाय। आइए जानते हैं इस बार 2023 में सावन मास कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। इस बार भोलेनाथ की उपासना के लिए मिलेंगे सावन के 8 सोमवार। जानिए क्यों बन रहा है ये अद्भुत संयोग। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए सावन के महीने को सबसे उत्तम माना जाता है। इस पूरे माह में शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस बार सावन माह को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस साल सावन एक नहीं बल्कि 2 माह का होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि ये अद्भुत संयोग करीब 19 साल बाद बन रहा है। दरअसल हिंदी विक्रम संवत 2080 में इस साल एक अधिक मास पड़ रहा है। ऐसे में इस साल 12 महीने के बजाय कुल 13 महीने होंगे। वहीं सावन का महीना 30 नहीं बल्कि करीब 59 दिन का होने वाला है। यानी इस बार भोलेनाथ के भक्तों को उनकी उपासना करने के लिए 4 के बजाय 8 सोमवार मिलेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं सावन कब से शुरू हो रहा है और शुभ संयोग। इस बार सावन का महीना करीब 2 महीने का होने वाला है। इस बार सावन महीने की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से हो रही है और 31 अगस्त 2023 को इसका समापन होगा। यानी इस बार भक्तों को भगवान शिव की उपासना के लिए करीब 59 दिन मिलने वाले हैं। क्यों बन रहा है अद्भुत संयोग? दरअसल वैदिक पंचांग की गणना सौरमास और चंद्रमास के आधार पर की जाती है। चंद्रमास 354 दिनों का होता है, वहीं सौरमास 365 दिन का। दोनों में करीब 11 दिन का अंतर होता है और तीसरे साल यह अंतर 33 दिन का हो जाता है, जिससे अधिक मास कहा जाता है। ऐसे में इस बार सावन 2 महीने तक रहने वाला है। सावन सोमवार की तिथियां: सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई, सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई, सावन का तीसरा सोमवार 24 जुलाई, सावन का चौथा सोमवार 31 जुलाई, सावन का पांचवा सोमवार 7 अगस्त, सावन का छठा सोमवार 14 अगस्त, सावन का सातवां सोमवार 21 अगस्त, सावन का आठवां सोमवार 28 अगस्त। सावन सोमवार पूजन विधि: सावन सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने दाहिने हाथ में जल लेकर सावन सोमवार व्रत का संकल्प लें। सभी देवताओं पर गंगा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करें। भोलेनाथ को अक्षत, सफेद फूल, सफेद चंदन, भांग, धतूरा, गाय का दूध, धूप, पंचामृत, सुपारी, बेलपत्र चढ़ाएं। सामग्री चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करें और चंदन का तिलक लगाएं। सावन के सोमवार के व्रत के दिन सोमवार के व्रत की कथा अवश्य पढ़ें और अंत में आरती करें। भगवान शिव को प्रसाद के रूप में घी और चीनी का भोग लगाएं। सावन के महीने में भूल कर भी ना करें एक काम, भोजन श्रावण में पत्तेदार सब्जियां तथा पालक साग इत्यादि तेल या मसालेदार भोजन, लहसुन और प्याज, मच्छी और मांसाहार, मूली, बैगन, गुड़, मीठी, ज़्यादा खट्टी और नमकीन पदार्थ, कच्चा दूध, कढ़ी, शहद
और शक्कर का त्याग कर देना चाहिए। इसमें यह रोग पैदा करने वाली वस्तुएं होती हैं। भोजन कांसे के बर्तन में नहीं करना चाहिए। सावन के माह में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, जैसे पान, सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल या अन्य किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। सावन के माह में यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो पछताएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप गंभीर रोग या किसी भी प्रकार के शोक से ग्रस्त हो सकते हैं। आप पर शिव के अपमान का पाप भी लग सकता है। सावन के माह में गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन माह में सुबह देर से उठना और रात देर तक सोना भी नुकसानदायक माना गया है। दिन में शयन न करें। सावन माह में शरीर पर तेल लगाने की मनाही है। सावन माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान नहीं करने से शरीर जल्द ही रोग ग्रस्त हो सकता है। सावन माह में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि। सावन माह में शिव पूजा में कोई गलती नहीं करना चाहिए, जैसे शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केतकी का फूल या तुलसी अर्पित करना, शिवलिंग के समक्ष ताली या शंख बजाना। सावन माह में यदि आपके द्वार पर कोई भी आए, जैसे गाय, बैल, भिक्षु आदि, वह सभी अतिथि होते हैं, उन्हें भगाना नहीं चाहिए। सावन माह में किसी का अपमान ना करें, खासकर देवता, माता, पिता, गुरु, जीवन साथी, मित्र और मेहमान। इस माह किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस माह में दाढ़ी या सिर के बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून भी नहीं कटवाना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।